स्वागत है एक नए ब्लॉग के अंदर। फिलहाल मैं हूँ जयपुर और यहाँ से मैं लेने वाला हूँ एक ट्रेन, ट्रेन नंबर 12985। ये ट्रेन करीबन सुबह 6 बजे निकलती है और ये है जयपुर दिल्ली के बीच में चलने वाली फुल्ली एसी डबल डेकर। फिलहाल टाइम करीबन 5:52 हो रहे हैं, मतलब करीबन 6 मिनट के अंदर ट्रेन निकलने वाली है। चलते हैं, ट्रेन सामने खड़ी है, काफी खूबसूरत लग रही है, काफी कलरफुल लग रही है। चलते हैं, ट्रेन बोर्ड करते हैं। काफी कलरफुल ट्रेन है, फिलहाल ढूंढते हैं C11 किस साइड है। सो गाइस, ये है हमारी ट्रेन का इंजन, गाजियाबाद का V5 लगा हुआ है इसके अंदर। ये है ऊपर का टैंक, ये है नीचे का टैंक। सामने खड़ी है जयपुर जोधपुर बीच में चलने वाली एक ट्रेन और हम निकल चुके हैं। फिलहाल निकल चुके हम जयपुर से। वैसे बात करें इस ट्रेन की, इस पूरे ट्रेन में 12 कोचेज हैं। वैसे इस ट्रेन का जो पहला ऑफिशियल स्टॉप है वो गांधीनगर जयपुर है, उसके बाद हम दौसा, अलवर, गुड़गांव से होते हुए पहुंचेंगे दिल्ली तक। वैसे ये ट्रेन रेवाड़ी नहीं रुकती है, अधिकतर जो ट्रेन रूट पर चलती है वो रेवाड़ी रुकती है, पर ये ट्रेन नहीं रुकती है। जयपुर से 6 बजे चलने के बाद करीबन 6:10 में, यानी 10 मिनट के अंदर पहुंच चुके हैं गांधीनगर जयपुर, जो कि पहला ऑफिशियल स्टॉप है इस ट्रेन का। और यहां से भी काफ़ी लोग बोर्ड कर रहे हैं, सारे गेट भरे हुए हैं, मतलब यहां से भी काफ़ी पैसेंजर इस ट्रेन को बोर्ड करते हैं। फिलहाल हम निकल चुके हैं गांधीनगर जयपुर से। यहाँ पे घुसते हैं, यहाँ पे एक सिंक वॉटर डिस्पेंसर, पानी भी आ रहा है। अच्छी बात है यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट पर एडवर्टाइजमेंट, मतलब पूरी ट्रेन में एडवर्टाइजमेंट लगे पड़े हैं, पता नहीं कितने पैसे कमाने हैं इनको। फिलहाल वो हमारा कोच है। फिलहाल पहुंचे हम दौसा और मैंने रियलाइज नहीं किया लेकिन इस ट्रेन का पहला स्टॉप दौसा है, ना कि अलवर। तो फिलहाल यहां से निकल रहे हैं, ट्रेन निकल चुकी है, चलते हैं और पहुंचते हैं अलवर तक। गाइस, अपने समय से करीबन 15 मिनट की देरी से लेकिन फिलहाल हम पहुंच चुके हैं अलवर रेलवे स्टेशन और यहां पे करीबन 5 मिनट का स्टॉप है। फिलहाल हम निकल चुके हैं अलवर रेलवे स्टेशन से। फिलहाल एक छोटे से स्टॉप के बाद हम निकल चुके हैं अलवर से। जो अगला स्टॉप है इस ट्रेन का वो है गुड़गांव, करीबन 9:36 पे आएगा। सफर फिलहाल तो ठीक चल रहा है, ट्रेन ज्यादा लेट नहीं है, 10 मिनट के आसपास लेट चल रही है। फिलहाल चलते हैं, बैठते हैं अंदर, वैसे जो नज़ारे दिख रहे हैं बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। फिलहाल मैं हूँ इस दिल्ली जयपुर
जयपुर दिल्ली डबल डेकर एक्सप्रेस के वॉशरूम में। ये एक इंडियन स्टाइल टॉयलेट है, यहाँ पे है मिरर। सबसे अच्छी बात, स्मेल नहीं आ रही है और थोड़ी देर पहले यहाँ पे सफाई भी हुई है, मतलब चलती ट्रेन में सफाई कर रहे हैं ये लोग, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे है मिरर, ये है सिंक, टैप पानी आ रहा है और टैप भी एक अच्छी क्वालिटी का टैप है। यहाँ पे लिक्विड सोप, ये है सॉकेट फोन वगैरह चार्ज करने के लिए। एक अच्छा खासा स्पेस है सोप वगैरह रखने के लिए, ये कुछ है आइडिया नहीं है। ये है फ्लश करने के लिए, इंडियन स्टाइल टॉयलेट एंड जेट स्प्रे, यहाँ तक कि यहाँ पे एक जग भी है। सो डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया वॉशरूम है बाकी ट्रेन के मुकाबले। तो वॉशरूम पूरे 10 में से 10 नंबर। सबसे अच्छी बात है स्मेल नहीं आ रही, जैसा मैंने बोला। फिलहाल यही था, चलते हैं बाहर, बैठते हैं। अगला स्टेशन जो है वो है गुड़गांवा और सफ़र काफ़ी सही चल रहा है। ट्रेन में काफ़ी लोग आते हैं कुछ ना कुछ बेचने के लिए, सब भूखे भी नहीं मरोगे, कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा। फिलहाल चल के बैठते हैं। फिलहाल करीबन 8:54 हो रहे हैं और हमारा एक अनऑफिशियल स्टॉप हुआ है रेवाड़ी जंक्शन पे। इस ट्रेन का स्टॉप नहीं है रेवाड़ी पे, अलवर से निकलने के बाद ये ट्रेन सीधा रुकती है गुड़गांवा में, लेकिन फिलहाल यहाँ पे एक अनऑफिशियल स्टॉप है। वैसे ही ट्रेन का इंजन है वो इसमें लगा होना चाहिए था, काफ़ी ज़्यादा मैच करता। यहाँ मिल रहे हैं गर्म पकौड़े, देखते हैं किस तरह के पकौड़े हैं ये। यही ऑप्शन है, इसके अलावा तो कुछ खास है नहीं। फिलहाल निकल चुके अपने एक छोटे से अनऑफिशियल स्टॉप के बाद रेवाड़ी से। काफ़ी अच्छा एक कर्व है आगे वैसे, और टाइम 8:58, थोड़ा सा लेट चल रहे हैं शायद। लेट चल रहे क्या, कितना, 5 मिनट लेट चल रहे हैं फिलहाल। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं गुड़गांवा और यहाँ मात्र 2 मिनट का स्टॉप था। यहाँ पे काफ़ी सारे पैसेंजर उतर गए, उनको रास्ते के चक्कर में थोड़ा लेट हो गया और ट्रेन फिलहाल निकल चुकी है। उसी पैसेंजर यहाँ पे उतर चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ ये भी खाली हो गई है। इसका जो नेक्स्ट स्टॉप है वो है दिल्ली कैंट, दिल्ली सराय रोहिला के पहले का जो स्टेशन है वो है दिल्ली कैंट। सो गाइस, फिलहाल ये ट्रेन ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। फिलहाल मैं हूँ पालम, हाँ ट्रेन पालम नहीं रुकती है, ट्रेन रुकती है दिल्ली कैंट। जैसे ही मैं दिल्ली कैंट पहुँचा मैंने देखा वहाँ पे एक पैसेंजर ट्रेन खड़ी है। तो बस ख़त्म करते हैं ब्लॉग यहीं पे, आई होप पसंद आया होगा। काफ़ी अच्छी ट्रेन है, बस एक चीज़ है कि उसमें खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता, मतलब सीट शताब्दी जैसी हैं, पैसे भी लग रहे हैं। सो खाने पीने का जुगाड़ किया जा सकता है वहाँ पे, अगर रेल मंत्रालय चाहें तो। फिलहाल यही था इस ब्लॉग के लिए, आई होप पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।